ते के उमरे आले ते बस डर तेरा यार बाकी बेरिया दे रखे जुतियाली नोक पे। ऑनलाइन से मैं मोहित गुप्ता। आज मेरे साथ कोई नेता नहीं है, कोई समाज सेवी नहीं है, या हम किसी इंडस्ट्रीज का इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं हरियाणवी सिंगर आकाश दीक्षित का। आकाश दीक्षित के बारे में मैं कुछ बातें आपको पहले बता देता हूं। आकाश भाई हमारे साथ हैं। आकाश भाई का स्टूडियो है जहां पर हम अभी बैठे हैं। आकाश के बारे में हमें बताएंगे। आकाश दीक्षित हरियाणवी गाने गाते हैं, उसमें अपने वीडियोज़ बनाते हैं। देसी म्यूजिक स्टेशन आपने देखा होगा, उनके गाने खूबसूरत होंगे। सबसे पहले भाई आकाश, आपका स्वागत है। धन्यवाद न्यूज़ अड्डा ऑनलाइन के सभी दर्शकों को, मेरा हाथ जोड़ के राम राम। आकाश भाई, सबसे पहले आपसे हम ये पूछेंगे, आपकी शुरुआत हुई है हरियाणवी गानों को लेकर, आपने हरियाणवी गाने को भी काफ़ी अच्छे चलाए हैं। आपके काफ़ी तीन गानों का नाम पहले मुख्य से लूँगा। भाई के सारे गाने हिट हैं। सबसे बड़ा जो मेगा हिट है उसका नाम था मोर बना दूंगा। भाई मोर बना दूंगा तो पहले अर्थ बताइए क्या होता है मोर बना दूंगा, एक तो पहले ये, और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये आएगा मोर बना दूंगा मेगा हिट है। अब तो टिकटॉक बैन है, लेकिन जब टिकटॉक था भाई, हम आपको फॉलो करते हैं, आपके टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा जो गाना चला है लोगों ने बना बना के टिकटॉक पे, भाई मोर बना दूंगा मोर बना दूंगा, तो क्या है मोर बना दूंगा और कैसा लगा जब वो इतना बड़ा वायरल हुआ, इसके बारे में? मेरा ये दूसरा गाना था हरियाणवी, हरियाणी मैशअप 2 था मेरा ये। तो इसमें जो लाइन है ये मोर बना दूंगा, ये एक मतलब लड़की को बोली जा रही है कि तनत देख है कोई और साले का मोर बना दूंगा। तो जब हमने इसको यूट्यूब पर डाला तो फर्स्ट वीक में इसका हमें मतलब कम वो जितना मैंने सोचा था उससे हमारे कम वो मिली हमें इसमें सफलता। लेकिन टिकटॉक पे मैंने खुद ही चलाता देखता गया, टिकटॉक पे इस पर काफ़ी लोग वीडियोस बनाते गए देखते गए, इस गाने पे 6-7 लाख वीडियो बन गई टिकटॉक पे। 6-7 लाख? हाँ जी। तो उसके बाद यूट्यूब पे भी लोग इसको गाने को सर्च करने लगे, तो यूट्यूब पे भी इस पर 4 करोड़ व्यूज होने वाले, अभी 38 मिलियन व्यूज है इस पर, 3 करोड़ 80 लाख के आसपास देखो। तो वो क्या खुशी थी कि इतने सारे लोग आपको उसको पैशन को फॉलो कर रहे हैं, आपके गानों के जो म्यूजिक है जो लिरिक्स हैं उसके उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वो अलग रहती है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा इतनी जल्दी कोई गाना इतना बड़ा हिट चला जाएगा। तो मैं जब उस वीडियो देखता था कि बड़े बड़े लोगों ने, मुंबई के जो मेन स्ट्रीम के हैं जैसे रूडीज वाले भी, मतलब जो भी हैं सब, बहुत लोगों ने उस पर आर्टिस्ट ने वीडियो बनाई थी उस गाने पर, तो मैंने सबको मेंशन करके थैंक यू भी बोला। तो मुझे मतलब मैं खुशी बता नहीं सकता वो कैसी खुशी, बोला कि खुशी होती है। आकाश से भाई हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं भाई, कह सकते हैं हरियाणवी गाने, हरियाणवी गाने से आपने शुरुआत करी है, हरियाणवी गाने में आप शायद हिंदी गाने बॉलीवुड में भी आप करोगे, आप जैसे बता रहे थे, तो इसमें आप फरीदाबाद के, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, फरीदाबाद के कलाकार हैं, फरीदाबाद के रहने वाले हैं और फरीदाबाद में ही स्टूडियो है और फरीदाबाद से ही इन्होंने शिक्षा में हासिल करी है बल्लभगढ़ के एक कॉलेज से। तो भाई आपसे ये पूछेंगे, जब आप स्कूल में थे अपना कॉलेज में थे, अब जो रिस्पांस है, अब जैसे आपका काफ़ी सारे गाने हिट हैं, आपके केस हो गया, मोर बना दूंगा बापू, या फिर मैशअप आपने खूब अच्छे बनाए हैं, सारे गाने हिट हैं, तो अब उनका कह सकते हैं ना उनका फीडबैक क्या है या फिर उनका रिएक्शन क्या है? तो वो कहते नहीं आकाश हमारा भाई जैसे बिल्कुल उसका रिस्पॉन्स क्या रहा? मैंने स्टार्टिंग किया था जब मैं स्कूल से बताता हूँ आपको, मैं रावल से पास आउट हुआ जी। तो मैं रावल स्कूल में पढ़ता था, मैं रैप, मैंने अपना गुरु मतलब जो भी है हनी सिंह को माना, मैंने फोटो भी लगाई हनी सिंह की है, फिर सामने आपको मेन दिख जाएगी, एक ही फोटो है, सबसे पहले हनी सिंह की है, हनी सिंह के फैन तो मतलब मैंने कुछ भी अगर थोड़ा बहुत सीखा है अभी तक वो इनसे ही सीखा है। मेरा शौक था, मैं इनको ही सुनता था कैसे भी, तो मैं स्कूल वगैरह में रैप करता था क्लास में, तो बच्चे ताली बजाते थे, अच्छा लगता था ये चीज़। तो फिर मैं कॉलेज में आया, कॉलेज में आने के बाद मेरा स्टार्टिंग से ये था कि मुझे भीड़ में कहीं दिखना नहीं था, मुझे अपनी अलग पहचान बनानी थी। तो मैं अपने कॉलेज से प्रेसिडेंट भी रहा हूँ NSUI से। हाँ जी। तो मैं फिर मेरे को कॉलेज ख़त्म होने के बाद फिर अब सोचा अब क्या किया जाए, कॉलेज तक ही था वो राजनीति, फिर उसमें घर मेरे जो फैमिली प्रॉब्लम मतलब करते थे कि राजनीति में नहीं जाना। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा क्या किया जाए, फिर मैंने वाइंस बनाई एक दो वीडियोस पहले। जी जी, ये बात मैं पूछ रहा था, इनके चैनल पे पहले वाइंस भी थी। हाँ, वो जैसे टिपिकल वाइंस बनती हैं वो भी थी, तो वो उसके बारे में भी। तो मैंने जब पहली अपनी वीडियो शूट की थी वो फ़ोन से की थी, ना मेरे पास कोई कैमरा था, ना मेरे को किसी का सपोर्ट था, घर वालों का कैसा भी। तो मैंने जो फ़ोन से वीडियो शूट की थी तब उस पर मैंने वो फ़ोन से ही एडिट करके उस पर अब भी नीचे ऐप का नाम भी लिखा था, वो तो है वीडियो हो चुकी है प्राइवेट, मतलब कुछ गर्लफ्रेंड गोज टू था। तो उस वीडियो पे मेरी वो वीडियो वायरल हो गई थी, सही दूसरी वीडियोस पे 3.5 लाख व्यू आए थे मेरे, और मेरे चैनल के भी 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे उस टाइम। तो उसके बाद मैंने फिर मतलब मेरे को ये नहीं था कि मेरे को परमानेंट ही ये काम करना है। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई गरीब बॉयफ्रेंड के नाम से, नहीं उससे पहले थी दिल्ली बॉयज वर्सेस देसी बॉयज, तो उसका वो वीडियो मेरी 7.5 लाख व्यू क्रॉस हो गई। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा गैप दिया, मेरे को टाइम नहीं था, कॉलेज वगैरह भी थे, तो 2-3
महीने बाद मैंने एक वीडियो बनाई गरीब बॉयफ्रेंड, जिसमें मेरे 1.5 मिलियन व्यूज आए थे। तो ऐसे ही करके फिर उसकी अगली वीडियो, उसका सेकंड पार्ट बनाया गरीब बॉयफ्रेंड का, उस पर मेरे 3.6 मिलियन व्यूज आए थे मेरे। तो मेरा मतलब चैनल, आपने क्यों फिर अगर आपका स्केल सही जा रहा था तो उसको क्यों गाने में कन्वर्ट करा? क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट था नहीं वाइंस में, लेकिन किस्मत ठीक थी, वो मेरी वीडियोस वायरल हो गई, मेरे पास प्लेटफॉर्म मिल चुका था, मुझे मेरे 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे मेरे। तो मतलब जब उस टाइम पे लोगों ने भी बोला था कि गाँव में क्या कर रहा है भाई, तो क्या क्या चीज़ में लग रहा है ये वो, तो एक टाइम ऐसा भी आया जो लोग ये बोलते थे क्या कर रहा है, वो मेरे को बोलते थे भाई हमें भी अपनी वीडियो में ले ले यार, ये सक्सेस। तो अब फिर उसके बाद मेरा बचपन से ही था ये मेरा कि मेरे को अपने गाने बनाने हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं हरियाणी में, आपको सच्चाई बताता हूँ, मैंने सोचा था मैं हरियाणवी गाने नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा हिंदी गाने बनाऊंगा मेन स्ट्रीम और बॉलीवुड स्टाइल में। लेकिन मैंने एक हरियाणा हिंदी गाना बनाया जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला उस पर। तो उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा हम हरियाणा से तो अपने पहले यहीं से मजबूत होकर चलना पड़ेगा हमें। फिर मैंने एक हरियाणवी गाना बनाया सबसे पहला, यार का कारोबार, जिसपे वो व्यूज तो नहीं आए थे जितने मैंने सोचे थे, 1.5 लाख व्यूज हैं उस पर, लेकिन उसका जो मतलब फीडबैक थी, चार लोगों ने उससे जाना कि हाँ किसी ने कुछ काम किया है ठीक अपने पहले गाने के हिसाब से। उसके बाद मेरा दूसरा गाना हरियाणवी मैशअप वन, जिसपे 9 लाख व्यू आए थे। तो उसके बाद पैसे नहीं थे जेब में म्यूजिक कुछ भी कराने के लिए, म्यूजिक भी बनता है, वीडियो भी होती है, कुछ भी चीज़ के पैसे नहीं थे, ना घर का सपोर्ट था बिल्कुल भी, घर के राजी नहीं थे, घर के इनके भी तो कहीं ड्यूटी लग जाए अपना, घर के इनके ये बड़े हाँ, तो वो सब मेरे ख्याल से मोस्टली सबके साथ होती है चीज़ें। तो उसके बाद मैंने कैसे ना कैसे करके इधर उधर से अरेंज कुछ भी करके मैंने गाना बनाया, ये अपना मोर बना दूंगा टू, जो मोर बना दूंगा गाना है हरियाणवी मैशअप टू। तो मतलब मैंने सोचा नहीं था ये गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा, ये गाना इतना हिट हो चुका था कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मैं अगर मैं कहीं पे रेहड़ी पे भी खड़ा हो खा रहा हूँ तो ऑटो जा रहा हूँ, ऑटो में से भी निकल कर मेरा ये गाना बज रहा है, लोगों के फ़ोन आ रहे भाई आपका यहाँ डीजे पे गाना बज रहा है। तो मतलब वो बहुत वायरल हो चुका था, 4 करोड़ व्यूज़ उस पर होने वाले हैं। तो उस गाने ने मेरे को बहुत हाइप दिया जो भी, मतलब सब फिर उससे थोड़ी मेरी इनकम भी हो गई। उसके बाद मैंने अपने और आगे गाने बनाए तो लोग जाने लगे, फिर मैंने अब सोचा भी प्रोफेशनली करेंगे हम, तब तक मैंने नहीं सोचा था मैं प्रोफेशनल तरीके से ये चीज़ करेंगे। अब लोग जानने लगे तो लोगों का प्यार मिलना लगा, तो लोगों को मैसेज भैया नेक्स्ट सॉन्ग कब आ रहा है ये वो सब चीज़ें, तो फिर हमने उस हिसाब से अब आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। केस लास्ट भाई का गाना आया, केस यूट्यूब चैनल है देसी म्यूजिक स्टेशन के नाम से, आपने देखा होगा भाई अलग भी उन पर काम करते हैं, लेकिन इनका जो लास्ट आपका गाना आया वो है केस। आपके जो पहले हमने गाने देखे सुने, हमने सब में अच्छे हिट आए, लेकिन सारे गाने थे थोड़े कहते देहाती में थे, हरियाणवी उसमें वो करा गया है। केस ऐसा गाना है जो अर्बन है, अर्बन म्यूजिक इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसमें लिरिक्स अलग है, इसका जो विजुअलाइजेशन है वो बिल्कुल अलग है पुराने गानों से। तो ये बिल्कुल आपको जब एक चीज़ में मिल रहा है, आपको सही सपोर्ट मिल रहा है, तो आपने ये नई चीज़ ट्राई करने का क्या मोटिव था? मैं बताता हूँ, मैंने आपको पहले जैसे कि बताया कि मेरा पहले था मैं हिंदी गाने बनाऊंगा, मैं मेन स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ। तो जो ये है जो वेस्टर्न म्यूजिक होता है ये पूरा ऑल इंडिया में सुना जाता है, तो मैंने सोचा थोड़ा लेवल ऊपर बढ़ाया जाए, तो मैंने केस पूरा वेस्टर्न तरीके से बनाया, जिसका म्यूजिक हरियाणा के बेस्ट डायरेक्टर है काका, उन्होंने इसका म्यूजिक किया है, और इसकी वीडियो भी हमने अच्छी तरीके से शूट की थी, मतलब पूरा प्रोफेशनल सॉन्ग था ये हमारा केस। तो जैसा आपकी लाइफ बिल्कुल अब चेंज तो हुई होगी काफ़ी, जो लोगों का सपोर्ट नहीं था, घर वालों का सपोर्ट नहीं था, अब उसमें बिल्कुल फ़र्क आया कुछ? फ़र्क तो देखो बहुत आया जी, अब गांव में बहुत दूर दूर से लोग, कौन से गांव से? मेरा गांव है भैंसरावली फरीदाबाद का छोटा सा गांव है, तो मेरे गांव में जैसे अब बहुत दूर दूर से लोग फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, तो घर वालों को लगता है कि मतलब कि अब पापा भी जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें भी लगते, उन्हें भी बोलते हैं कि आपका लड़का ये वो, तो हाँ ये अब यह है कि लोग जानने लगे हैं अच्छी तरीके से, तो उनका ये प्यार देख के ही बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणवी गाने में थोड़ा सीरियस क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक हरियाणवी इंडस्ट्री है, गाने हरियाणवी के पहले भी बनते थे, पहले भी सही बताऊँ तो देखा जाए तो पहले सही चलते थे, लेकिन धीरे धीरे जब बॉलीवुड का इसमें आया, बॉलीवुड के गाने आए, तो धीरे धीरे करके हरियाणवी जो रिलीजनल सॉन्ग्स हैं वो सारे धीरे धीरे करके कम होने लग गए, लेकिन अब वापस हरियाणवी कह लें, सबसे पहले गानों की बात करती है, इंडिया में बात करते हैं तो गानों की सबसे पहले हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, ये मेन स्ट्रीम पर चलते हैं, हॉलीवुड के गाने इंग्लिश गाने या फिर हिंदी में बॉलीवुड के। रिलीजनल पर बात करें, रीजनल पर बात करें तो आते हैं भोजपुरी का, पंजाबी सबसे ऊपर है,
तनिक सिंह ने पंजाबी गानों से शुरुआत की, आपके आइडल ने और बाकी सारे ने पंजाबी करी, फिर उसके बाद हरियाणवी गाने का इतना स्कोप रहा नहीं है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं एक 3-4 साल से, मुझे ऐसा लग रहा है 3-4 साल में हाइक पड़ गई इसने। अब हरियाणवी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ कर चुकी है इस टाइम पे, बहुत काफ़ी ग्रोथ, तो इसकी अब बॉलीवुड में भी डिमांड है हरियाणवी गाने की। तो अब हमें, मैंने आपने बोला था कि कैसा गाना आपने इस तरीके से हरियाणवी में ही अलग तरीके से बनाया बॉलीवुड स्टाइल, मतलब जो अर्बन म्यूजिक किया है हमने, तो हमारी सोच कहीं ना कहीं ये भी है कि हम हरियाणवी इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं। हर कोई ऑल इंडिया में हर कोई सुनता है हरियाणवी गाने, भी बहुत सुन रहे हैं हरियाणा, बाहर के देश में बाहर चले जाओ बाहर भी हरियाणवी गानों का, आपने कभी देखा हो अपना कैलिफोर्निया में भी जो काफ़ी वीडियो वायरल हुए थे, भोजपुरी के गाने वायरल जाते हैं हरियाणवी के हो रहे हैं, तो हरियाणा में दम है, पूरा दम है, पूरा सही चल रहा है, हरियाणा के गाने खूब चल रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे देखें 5-7 साल से काफ़ी इसका। अब पहले टीवीज पे नहीं चलते थे हरियाणवी गाने, बड़े बड़े चैनल है, 9X स्टेशन वगैरह, उस सब पे हरियाणवी गाने चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लेवल अप हुआ है हरियाणा का। हमने ये भी देखा था गाना ऐप, उसके आप आपके स्टेटस भी देखते हैं, तो गाने ऐप पे भी आपका देखें ट्रेंडिंग पे चल रहा था, केस वाला भी चला था, और एक जब आपके सारे गाने ट्रेंडिंग पे चलते हैं वो क्या उसका क्या है, ट्रेंडिंग पे चलते तब कैसा लगता है कि एक बड़ी कंपनी है, गाना इंडस्ट्री पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है, गाना ऐप सुना देखा होगा, आपने सुना होगा देखा होगा, वहाँ सुने होंगे गाने, तो वहाँ पर आपका जब गाना ट्रेंड करता है हरियाणवी, तो कैसा लगता है? तो ये हमें देख के खुशी होती है कि हमारे हरियाणा का लेवल इतना ऊपर जा रहा है, और हमारी भी यही उम्मीद है, और हम इसलिए काम कर रहे हैं कि हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री ग्रो करे। अनी सिंह और मतलब जो उनकी कटिंग थी, लोग वही कटिंग कराने लगे, तो मतलब मैंने उनसे कहीं ना कहीं मैंने उनसे ही सीखा है सब कुछ, और मैं अपना ये लगा लो मैं भगवान मानता हूँ इस लाइन में आने, मतलब अगर मैं कोई गाने बना रहा हूँ तो शायद कहीं ना कहीं उनकी वजह से है, क्योंकि मैंने उनसे ही वो रैप याद करके मैंने वो स्कूल कॉलेज में गाए, तो वही अंदर से मेरे आई कि मैं भी थोड़ा अपने ऐसे गाने बनाऊंगा। तो कभी कभी मिलने का मौका मिला उनसे? अभी तक नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्दी मिलने का मौका मिलेगा, चाहते हैं हम मिलना चाहते हैं, अभी मिलने का मौका नहीं मिला है। तो लो भाई अब बहुत हमने बात करी भाई काश भाई से, कोई जिस तरीके के हम पूछना चाहते हैं हरियाणवी गाने ही क्यों, बॉलीवुड क्यों नहीं, तो बॉलीवुड पे भी आ रहे हैं धीरे धीरे, उनका बता रहे हैं उनका प्रोजेक्ट अभी बॉलीवुड में रहेंगे, हिंदी गानों में रहेंगे, मेन स्ट्रीम पे जाएंगे, तो भाई आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे, धन्यवाद, आपके सारे गाने बहुत सही जा रहे हैं, अभी बहुत सही आ रहे हो, आगे जाके आपका और काम बने, लेकिन इसमें हम पूछेंगे आपका स्टूडियो, स्टूडियो अभी हमने देखा, स्टूडियो का भी एक हम दिखाएंगे इसमें आपको, स्टूडियो स्टूडियो में क्या खास है, स्टूडियो अपने फरीदाबाद में ही है आपका स्टूडियो, तो उसके बारे में क्या? ये स्टूडियो भी हमने 1 महीने पहले ही सेटअप किया है इसका जी, तो स्टूडियो का ये था कि अभी हमारा अपना म्यूजिक है, तो हम इसमें जो हमारे नए उभरते कलाकार हैं, कहीं जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता ऐसा किसी और कलाकार के साथ हो, पैसों की वजह से कोई किसी को प्रॉब्लम आए, गाने ना बना पाए, तो हम इसमें हम जो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं हम उनको मौका देंगे, उनका म्यूज़िक बनवाएंगे बहुत ही मतलब रीजनेबल प्राइस पे, जो भी मतलब हम उनको पूरी प्रोडक्शन, हमारी कंप्लीट ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन है, AV रिकॉर्ड्स के नाम से हमारा स्टूडियो है जो कि ऑफिशियली मैनेज देसी म्यूज़िक स्टेशन से ही है, हाँ यही है, और बाकी अभी हमारे भी जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं अभी वो पूरे एक सरप्राइज़ है, वो एक कॉलैब आ रही है कोई बड़ी कॉलैब है, वो हम आपको बताएंगे, वो आपको खुद पता चल जाएगा। ये भाई कह रहे हैं अगर किसी को जैसा आर्टिस्ट है स्पेशली फरीदाबाद की बात करें, हरियाणा की बात करें, अगर किसी को मिलना है, बातचीत करने को जानना है, या फिर उनको काम की जो भी समझ रहे हैं जो आर्टिस्ट हैं वो समझ पाएंगे, जो प्रॉब्लम आती है सब भी आर्टिस्ट के साथ स्टार्टिंग में जरूर आती है, तो उसके लिए भाई आकाश भाई हैं, पूरा सपोर्ट करने को तैयार है, तो भाई अगर किसी को आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें? वो हमारे इंस्टाग्राम पे पेज हैं, सब पे हमने अपने कांटेक्ट नंबर्स डाले हुए हैं, टीम फोन उठाएगी उनका, तो जो भी उनसे बात करना है सब। आपका इंस्टाग्राम वगैरह इस पे फेसबुक पे जो आपके पेज वगैरह हैं, तो आकाश दीक्षित के नाम से या फिर म्यूजिक ये AV रिकॉर्ड्स के नाम से भी है, देसी म्यूजिक स्टेशन के नाम से भी, आकाश दीक्षित नाम से भी, यूट्यूब पे भी देसी म्यूजिक स्टेशन पे कॉन्टैक्ट इन्फो सब हम देते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। वो भाई ने सब बता दिया है कि किस तरीके से कॉन्टैक्ट करें, सारे चैनल के अपने सोशल मीडिया के हैंडल बता दिए, आकाश दीक्षित और AV रिकॉर्ड्स के नाम से उनकी प्रोडक्शन कंपनी है, तो भाई जिसको अगर कोई मदद चाहिए हो या जो भी है, इसी तरह भाई आकाश भाई को प्यार देते रहें और सभी सुनते रहें, उनके जैसे आने वाले बहुत प्रोजेक्ट आने वाले हैं, कोलैबोरेशन रहेगी, तो भाई आकाश भाई धन्यवाद उनसे बात करने को, और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।